हेलो दोस्तों। सो आपने हेडलाइट का वीडियो देखा, राइट? होप कि आपको अच्छा लगा हो। हाँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट मैं बहुत ट्राई किया कि उसमें कुछ कुछ काट दूँ या फिर कुछ डिलीट कर दूँ, बट कुछ इन्फॉर्मेशन्स है जो आपको जानना ज़रूरी है। मैं ट्राई किया बट नहीं हो पाया छोटा। ठीक है, तो मैनेज कीजिए। उसमें बीच में बहुत कुछ मैं बताया हूँ, तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर 1 घंटा टाइम है आपके पास, निकाल लीजिए, ताकि वो आपका आपको वीडियो अच्छा लगे, और अगर आप जब इंस्टॉल करने जाओ तो आपको फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए। तो आज का वीडियो कुछ सॉरी, आज का वीडियो एक इशू पे है जो कि हेडलाइट लगाने के बाद आया था। ठीक है, हो सके ये किसी किसी कार में ना आए, बट मेरे कार में क्यों आया, इसका रीज़न क्या है और इसका वर्क अराउंड क्या होगा, ठीक है, ये सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो मैं इशू दिखा दूं पहले, और उसके बाद इसको समझाऊंगा। ये जो समझाऊंगा वो पेपर पेन पे होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि दिक्कत क्या हो रही है, और उसके बाद फिर मैं ले चलूँगा आपको इसके पेपर पर। ठीक है, वहाँ पर समझाऊँगा कि क्यों हो रहा है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, और उसके बाद जो आप देखिएगा कि मैं इसको कैसे इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो बस वो इंडिकेटर पे है। ठीक है, ओके, चलिए तो इश्यू देखते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया था, अभी हेडलाइट चेंज किया है, राइट? तो आपको दिखा दूँ मैं कि मेरे में चेंजेस क्या है। आपने देखा ही था, तो ये अपग्रेड मॉडल है, राइट? तो इसको मैंने 2016 से 2020 किया है, मीन्स इसमें बम्पर चेंज है, आगे का जो बम्पर है वो चेंज है। 2016 वाले बम्पर में यहाँ पे इंडिकेटर होता था, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, ना इधर ना इधर, और बाकी सारा इंडिकेटर सेम है। तो आप देखोगे कि अगर कभी इस टाइप का कुछ होगा, अगर आप ऐसे अपग्रेड कर रहे हो, तो मेरे में क्या प्रॉब्लम आया मैं दिखाता हूँ। तो जब मैं अपना इंडिकेटर ऑन करूँगा, ठीक है, ये अभी तो स्टेबल है, बट जब गाड़ी ऑन होता है ना, तो ये बहुत जल्दी फ्लैश करता इस टाइप से। ठीक है, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअली इलीगल है, इस तरह से रोड पे लेके जाना है। ठीक है, तो इसको हाइपर फ्लैश बोलते हैं। ये क्यों आता है, ये मैं आपको जब मैं इस पेपर पे दिखाऊंगा, ठीक है, तो आप इस देखोगे क्यों क्यों ये इस तरह से हाइपर फ्लैश होता है। तो इसी को रिजॉल्व करना है। ठीक है, देखता हूँ। मैं अभी गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये अभी स्टेबल है, बट ये कभी कभी हाइपर फ्लैश में चला जाता है। देखिए, ये इस टाइप से करेगा, अभी हाइपर फ्लैश हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कंपनी ऐसा क्यों देती है मैं बता दूं। ठीक है, इसको पॉज करते हैं। तो ये देने का रीज़न क्या है, ये एक्चुअली एक तरह का इंडिकेटर है, मतलब वो इंडिकेटर तो है ही, बट ये आपके लिए इंडिकेटर है कि गाड़ी में कोई बल्ब खराब है, ठीक है, या मिसिंग है, तो ये आपके लिए है। ठीक है, सपोज अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से ये इस टाइप का अगर हाइपर फ्लैश स्टार्ट हो जाए, तो उस वक्त आप कुछ भी मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, बस आपने गाड़ी के अराउंड घूमिए और देखिए कि कोई बल्ब आपका जल रहा है कि नहीं। अगर कोई बल्ब आपका नहीं जल रहा है, ठीक है, तो वो बल्ब आपका खराब है, ऑब्वियस है, नहीं जल रहा तो खराब है, लेकिन ये आपके लिए इंडिकेटर है कि कोई गाड़ी में कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक बल्ब मिसिंग है। ये क्यों होता है, हाँ रीज़न करेक्ट, ये क्यों होता है, क्या रीज़न है इसका, ठीक है, ये मैं आप जब आपको पेपर पेन पे जब समझाऊंगा, तो ये सब कुछ मैं डिस्क्राइब करूंगा कि क्यों होता है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अभी इस गाड़ी में इसको ठीक करना है, तो चलिए पेपर पेन पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, राइट? ओके, चलिए, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम आपने देखा, ठीक है,
हेडलाइट अपग्रेड करने से या फिर बल्ब को चेंज करने से कुछ दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अगर आप स्टॉक बल्ब जो हैलोजन बल्ब है, अगर उसको आप एलईडी में अपग्रेड करते हो, इंडिकेटर का बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके हेडलाइट मतलब जो फ्लैशर्स है वो थोड़ा जल्दी ब्लिंक करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो सर्किट है उसका, उसको प्रॉपर लोड नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो एज अ डायग्नोस्टिक टूल है, आप समझ लो आपके लिए, कि जब आप कोई भी एलईडी सॉरी कोई भी बल्ब आपका अगर ख़राब होता है बाय रनिंग, और अगर आप इंडिकेटर चलाते हो तो वो हाइपर फ्लैश में चला जाएगा। वो आपको ये बताने का ट्राई कर रहा है कि आपका कोई एक बल्ब जो है वो डैमेज है, वो ख़राब हो चुका है, ठीक है, उसको आपको चेंज करने के लिए वो बोल रहा है। बट जो हमारा केस है, मेरे केस में क्या हुआ कि मैंने एक बल्ब उसमें से निकाला, ठीक है, एक बल्ब उसमें मैंने निकाल दिया है, जो कि मैंने जो बम्पर पे रहता है वो वहाँ एक 21 वाट का बल्ब था मेरे पास, ठीक है, वो मैंने हटा दिया क्योंकि बम्पर अपग्रेड हुआ, ठीक है। अपग्रेड होने के बाद वो उस वहाँ पे मतलब लेटेस्ट वाले वर्जन में वहाँ पे इंडिकेटर नहीं था, तो वो हटा दिया क्योंकि हेडलाइट में अब इंडिकेटर है जो कि एलईडी है, वो बहुत कम वाट लेता है। तो जब अपग्रेड करने के बाद ये इशू आना शुरू हुआ हाइपर फ्लैश का, ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि क्यों आया और इसको कैसे कनेक्शन किया जाए। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो अभी आगे आने वाला जो वीडियो है मीन्स जिस इसके बाद, तो आप देखो कि मैंने कैसे उसको ठीक किया, वो तुरंत है, ठीक है। तो अभी समझते हैं कि पहले इसको आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसको अगर लेफ्ट साइड लेते हैं कार का, तो ये बैक साइड हुआ, ठीक है, बैक साइड में 21 वाट का एक बल्ब है, ठीक है। आपके ठीक लेफ्ट साइड में मिरर के नीचे और ओआरबीएम के नीचे एक बल्ब होगा, ठीक है, ये आपका 5 वाट का है, और जब चेंज नहीं हुआ था तो वहाँ पे एक बल्ब था जो कि 21 वाट का है, ठीक है, 21 वाट का, ठीक इधर सेम रेप्लिका 21 वाट का, यहाँ पे एक बल्ब था जो कि 5 वाट का था, और यहाँ पे एक बल्ब था जो कि 21 वाट का था, ठीक है। ये आप इसको फ्रंट मान लो, ठीक है, ये बैक, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। सो अभी मेरे केस में अभी ये ऐसे था, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे फ्लैशर होगा आपका, अंदर में आपका कहीं पे फ्लैशर होगा, ठीक है, जो कि इन सबको कंट्रोल करता है। तो जब आप इंडिकेटर दे रहे हो तो अभी आप अगर यहाँ पे टोटल करोगे, ठीक है, तो 40, ठीक है, 42, और ये आपका 5 वॉट, ठीक है, 42 और 5, 47, हम यहाँ 50 वॉट लेके चल रहे हैं, ठीक है। सेम अगर इधर आप टोटल करोगे इन सब का टोटल करोगे तो ये भी 50 वॉट आएगा, ठीक है। और ये दोनों का जब आप पार्किंग वाला ऑन करते हो तो ये टोटल मिलके 100 वॉट हो जाता है, ठीक। तो जब भी आप ऐसा प्रॉब्लम देखोगे, ठीक है, तो सिर्फ अगर लेफ्ट का जलाते हो तो हाइपर फ्लैश दिखेगा, अगर आप चारों मतलब जो 6 बल्ब है सब एक साथ मतलब पार्किंग वाला लाइट जलाते हो, ठीक है, उस समय देखिएगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। दैट मीन्स फ्लैशर को सही लाइट सही वॉटेज मिल रहा है, तो वो डिटेक्ट कर रहा है कि हाँ ये सब कुछ सही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, मैं फोकस यहीं रखूँगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये रहा, अब क्या किया मैंने यहाँ पे, मेरे केस में ये जो फ्रंट वाला जो है ये वाला और ये वाला, इसको मैंने हटा दिया। जब बम्पर अपग्रेड हुआ तो ये हट गया, इसके जगह कोई एलईडी बल्ब लग गया, राइट, जो कि ऊपर आपने देखा एलईडी एलईडी जब अपग्रेड किया था हेडलाइट, तो वहाँ पे एलईडी इंडिकेटर है हेडलाइट में ही, तो उसका कुछ वाटेज लगभग 5 वाट मैक्सिमम 10 वाट होगा, ठीक है। तो जब अपग्रेड किया मैंने तो अब ये ना होके ये हो गया 10 वाट, ठीक है,
ये भी जब हटा ये हो गया 10 वाट। तो अब जो टोटल होगा ठीक है वो 50 से कम है एक साइड का। तो मान के चलिए कि अगर एक साइड हम इंडिकेटर दे रहे हैं तो 50 पे वो अच्छे से काम कर रहा है हाँ, और जब जैसे वो 50 से बिलो हो रहा है तो मेरा हाइपर फ्लैश पे चला जा रहा है। दैट मीन्स अगर 10 वाट भी मेरा कम हो रहा है तो हाइपर फ्लैश में चला जा रहा है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर इस जगह पे एक 50 वाट का, वो 50 वाट में ही आता है, एक 50 वाट का लोड रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। लोड रजिस्टर कनेक्ट करना बहुत सिंपल, बस इंडिकेटर से जो आपका वायर गया हुआ है जो आप अपग्रेड कर रहे होगे टाइट, तो नीचे वाला जो इंडिकेटर जहाँ पे 21 वाट आपका बल्ब कनेक्ट था ठीक है, वहाँ से दो तार लेके आपको सिर्फ उस लोड रजिस्टर वाले में कनेक्ट करना है। वो सिंपल सा ऐसे होगा लाइक ये जो बल्ब था ठीक, यहाँ पे दो लेग था यहाँ से और ये आपका कंट्रोलर में गया हुआ है ठीक है, ये आपका कंट्रोलर में गया हुआ है। यहाँ से दो वायर उठाइए, यहाँ से और यहाँ से वायर उठाइए ठीक है, और यहाँ पे लोड रजिस्टर कनेक्ट कर दीजिए। सिंपल पैरेलल कनेक्शन, और कुछ नहीं करना है इसमें ठीक है। ये आपका मॉड्यूल था, तो जहाँ कोई भी बल्ब से आपको जहाँ भी कनेक्ट, अगर पीछे आपका आपको मिलता है पीछे कनेक्ट करने का तो आप पीछे कर लो, लेकिन दोनों साइड करिएगा ठीक है। ठीक वैसे ही मैंने यहाँ से एक लोड रजिस्टर 50 वाट का कनेक्ट कर दिया, 10 के वाट का ये मान के चल रहे हैं और 50 वाट का मैंने लोड रजिस्टर कनेक्ट किया ठीक है, सेम इधर। अब टोटल कीजिए, तो पीछे 21 था ठीक है, 5, 50, 10, 60, 80 ठीक है, 100 मान के चलिए एक साइड का, एक साइड का 100, टोटल 200 लोड ज़्यादा है ठीक है। तो मैं इन फ्यूचर क्या करूँगा, ये जो है ये 21 वाट और ये 5 वाट ये सबको LED में कन्वर्ट कर दूँगा, जिससे मेरा लोड बैक टू नॉर्मल 50 वाट पे आ जाएगा ठीक है। अगर मान लीजिए इसका भी 10 वाट है जो कि जब मैं चेंज करूँगा 10 वाट, ये शायद 2 वाट या 1 वाट का लगभग आएगा, 1 वाट शायद आता है ठीक है। इसका अगर आप लीजिएगा उस राम का ये 1 वाट का है ठीक है, 5 वाट ना होके 1 वाट हो जाएगा, और ये 10 वाट हम मैक्स लेके चल रहे हैं, इतना नहीं होगा, 10 वाट तो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, इतना नहीं होगा ठीक है। तो 10 हम मैं मैक्स लेके चल रहा हूँ, तो ये आपका हो गया 10 ठीक है, 20, 21 और ये 50 ठीक है, ऑलमोस्ट 80 के आसपास। तो 50, 70 के आसपास मान के चलिए ठीक है, 70 के आसपास हम एक और एक साइड दे रहे हैं, तो लगभग दोनों साइड का 140 हुआ। 140 इट्स ओके, 20 वाट द सर्किट कैन मैनेज, 20 वाट सर्किट मैनेज कर लेगा ठीक है। तो ये है फ्यूचर का प्लान, अभी नहीं जरूर, बट इसको मैं चेंज करूँगा जरूर ठीक है, बाकी मैं नहीं चाहता कि फ्लैशर को कोई भी लोड पड़े, तो मैं इसको चेंज करके LED कर दूंगा। तो बस यही है प्लान और यही है कैसे इसको ठीक कर रहे हैं ठीक है। तो अब आगे देखिए वीडियो और बाकी कुछ समझ में आएगा ठीक है। चलिए तो फिर आगे देखते हैं वीडियो, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इसको समझाना था कि कैसे क्यों हाइपर फ्लैश हुआ, क्योंकि मेरा मॉड्यूल को हाइपर मतलब फ्लैशर को कंप्लीट वाटेज जो कि 50 वाट होना चाहिए वो नहीं आ रहा था ठीक है, 50 वाट से कम आ रहा था, जिसके वजह से उसको लगा कि एक बल्ब खराब है तो वो हाइपर फ्लैश में चला गया। बस यही चीज़ समझना था, इसलिए ऐसा इशू है। अगर आपको आपके भी केस में कभी भी हाइपर फ्लैश या आप अगर कोई बल्ब ये इसमें से कोई भी बल्ब आप LED में कन्वर्ट कर रहे हो और हाइपर फ्लैश दिख रहा है तो आप लोड रजिस्टर डाल सकते हो। अगर वो नहीं खरीदना क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली है, 500 या 700 के लमसम का है ठीक है, अगर वो नहीं खरीदना तो आप एक बल्ब उसको ब्लैक पेंट कर दीजिए और उसको गाड़ी में अंदर कहीं पर डाल दीजिए ठीक है, बोनट के मतलब बोनट के आसपास, तो वो भी एज सेम काम करेगा। तो ये है वर्क अराउंड ठीक है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए अब आगे देखते हैं और आगे आपको समझ में आएगा कि अब आगे क्या करना है ठीक है। ओके देन चलिए, ओके सो होप कि आपको समझ में आ गया हो ठीक है।
क्या हुआ, मतलब क्यों होता है ये प्रॉब्लम और इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो मैं क्या सॉल्यूशन इसके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पेपर में बताया था, आप चाहे तो बल्ब लगा लीजिए, ठीक है, वो जो अंदर रहेगा बाहर नहीं रहेगा, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसमें, वन सेकेंड, ओके, सो या आप इसमें बल्ब लगा सकते हैं, ठीक है, बट मैं वो बल्ब नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक रजिस्टर लगा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि गाड़ी को ये बताएगा कि हाँ देर इज अ लोड, ओके, देर इज अ बल्ब और देर इज अ लोड, फाइन। सो देखते हैं मैं क्या लाया हूँ इस बार। सो ये मैं अमेजन से मंगाया हूँ, ओके, सो ये अमेजन का है, इसको बोलते हैं लोड रजिस्टर, जो कि मैं अपने गाड़ी में लगाने वाला हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम उसी गाड़ी में आएगा जहाँ पर आपने बम्पर चेंज किया है। अगर बम्पर आपका सेम है तो उसमें वो पहले वाला इंडिकेटर लाइट होगा, राइट, सो उसमें बल्ब होगा, जिसमें वो बल्ब हटा दिया गया है, ये प्रॉब्लम उसी में आएगा। तो मैं उस बल्ब की जगह पे ये डाल रहा हूँ, ठीक है, ये अंदर आपका कहीं पे रहेगा, तो देखते हैं इसमें क्या है। सो लोड रजिस्टर एक तरह का, मतलब आपके सर्किट को ये बताता है कि देर इज अ लोड, ओके, एंड मैं उसी तरह से काम करूंगा जैसे लोड रजिस्टर काम करता है, मीन्स जैसे लोड काम करता है और आपका बल्ब जैसे काम करता है। तो इसके साथ आपको इस टाइप का क्लिप मिल जाएगा, ठीक है, तो अगर आप कभी भी कोई अपग्रेड कर रहे हैं, जैसे आप अगर सारे बल्ब को हटाकर एलईडी लगाइएगा तो आपको ये प्रॉब्लम दिखेगा, उस केस में आप इसके हेल्प से, ठीक है, ये आपका क्या बोलते हैं, बिना प्लग काटे हुए या बिना तार काटे हुए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कभी भी अपग्रेड कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि हम स्टॉक बल्ब को हटाकर उसको अपग्रेड कर दे एलईडी में, बेझिझक कीजिए, अगर ये प्रॉब्लम दिखेगा दिखेगा ही, ठीक है, बिकॉज उस वक्त गाड़ी का वाटेज कम हो जाएगा, एलईडी बहुत कम वाट लेता है एज कंपेयर टू हेलोजन, ठीक है, तो उस केस में आपका वाटेज ड्रॉप होगा, और वो ड्रॉप जब फ्लैशर को पहुंचेगा, ठीक है, कि उसको लगेगा कि मेरे पास एक कुछ बल्ब है जो खराब है, ठीक है, और वो इस तरह से हाइपर ब्लिंक होगा। तो अब हमको गाड़ी को ये बताना है कि नहीं सब कुछ ठीक है, ठीक है, एक तरह का हैक है सो यहाँ ये एक तरह का हैक है, तो गाड़ी को मुझे ये बताना है कि नहीं सब कुछ ठीक है, आई नो द रीजन, ठीक है, तो मैं एक उसी तरह का एक बल्ब उसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वॉटेज जो है वो मैच हो जाए और मेरा हाइपर जो जो मेरा फ्लैशर है वो प्रॉपरली काम करे। तो उसकी जगह यहाँ तो मैं ये लगा रहा था, ये आपका 50 वॉट 6 रेजिस्टेंस, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, 50 वॉट, तो ये मैं ऐड कर रहा हूँ अपने गाड़ी में, तो मेरा लाइक एक साइड आपका 21 वॉट पीछे है, ठीक है, बैक साइड में, बैक साइड के इंडिकेटर में, और जो आपके साइड पैनल पे रहता है साइड वाले में फेंडर में, वो आपका 5 वॉट है, ठीक है, आगे तो एलईडी लग गया है, तो वो लगभग तो लाइक 3 वॉट 4 वॉट इस टाइप से मानिए, ठीक है, हार्डली 10 वॉट, ओके, सो जब तक टोटल कीजिएगा तो कम है, क्योंकि लास्ट इस जब हम आगे का रिप्लेस किए तो वो 21 वॉट का था, तो अभी भी कम है, तो उसकी जगह मैं ये डाल रहा हूँ, ठीक है, तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। ये रिक्वेस्ट है मेरे, मुझे पहले इंस्टॉल करने दीजिए, ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, समझ जाए तो आप इसको इंस्टॉल कीजिए, मेरे लिए भी एक तरह का ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, मैं भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि ये काम करेगा कि नहीं, तो जब मेरा वो सक्सेस हो जाए तो आप बेझिझक इसको कीजिए। इसको कैसे लगाना है मैंने आपको वीडियो पे दिखा दिया है, जब मैं पेपर पेन पे है, तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो पीछे करके देख लीजिए, ठीक है, मेरा हेडलाइट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ऊपर आपको आइकन दिख रहा होगा, क्लिक कीजिए और हेडलाइट वाला वीडियो देखिए, ताकि आप यहाँ पर आके ये समझ लें कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है,
तो चलिए इसको लगाते हैं फटाफट। मैं इसको थोड़ा सा इजी वे में लगा रहा हूँ कि इन केस इन फ्यूचर कभी कभी ये खराब हो तो मुझे बार बार वो तार कट ना करना पड़े। तो मैं इसको क्या बोलते हैं, प्लग एंड प्ले टाइप का बना रहा हूँ। तो इसमें मैं ये इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इसका जो फीमेल है वो ऑलरेडी मेरे इंडिकेटर में लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ आपको जब मैं आप एक मेरे फॉगलाइट का वीडियो है जो कि आपका आइकन आपको ऊपर दिख रहा होगा, फॉगलाइट वाले वीडियो में देखिएगा कि मैंने ऑलरेडी ये फीमेल, इसका जो फीमेल है वो लगा चुका हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बार बार आगे का बोनट बम्पर ना खोलना पड़े। तो उस वक्त ईजी था मेरे लिए, तो मैंने लगा लिया। अब मैं सिर्फ इसको रजिस्टेंस को लगाऊंगा, ठीक है, रजिस्टर को लगाने वाला हूँ। तो मैं इसके हेल्प से प्लग एंड प्ले करने वाला हूँ उसको। तो चलिए इसको फटाफट लगाते हैं इस रजिस्टर में और फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं। चलिए, और ये वीडियो बहुत छोटा मैं कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो जो है लंबा हो चुका है मेरा। तो चलिए, तो फटाफट इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। ओके, एक केबल रेडी हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने लगाया कैसे वो दिखा दूँ। ये रहा आपका, इस साइड आपका मेल है, ठीक है, और ये वायर के थ्रू, ये कंप्लीट वायर के थ्रू ये आपको यहाँ पे ये लगा हुआ, ठीक है। रेजिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, ये किसी केबल में या फिर प्लास्टिक बॉडी में टच नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हीट होगा, ठीक है, इसलिए इसमें हीट सिंक दिया हुआ है। तो इसको कोशिश कीजिए कि किसी मेटल सरफेस पे चिपका तो नहीं पाइएगा। अगर स्क्रू ट्राई ट्राई कर सकते हैं तो वो कीजिए, या कुछ भी मेटल का जैसे वायर हुआ वो सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको वहाँ पे लगाने के लिए। बस इसको ध्यान दीजिए कोई भी मेटल पे, कोई भी प्लास्टिक या फिर वायर में ये टच ना हो, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर लगा रहा हूँ, मीन्स जब आप बोनट खोलिएगा उसके बाद आपको ये तुरंत दिख जाएगा। तो मैं उस टाइप से लगा रहा हूँ और इसको वायर के मदद से इसको टाइट कर दूंगा, ठीक है। ये इधर, तो ये कंप्लीट वायर है, ठीक है, इसको इंसुलेट कर दिया हूँ, अंदर अंदर ये इस पाइप के अंदर गया है, ठीक है, जैसे कि मेरे लगभग सारे वीडियो में है, सारे केबल मेरे ऐसे ही हैं, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो मैं पहले इसमें लेफ्ट साइड में पहले लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला हाइपर फ्लैश मुझे दिख रहा था। मैं दिखा दूं आपको लेफ्ट साइड का इंडिकेटर। ये देखिए लेफ्ट साइड वाला आपका हाइपर फ्लैश है, राइट साइड वाला कभी कभी होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला मैं इसको लगाता हूँ और देखता हूँ कि प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं, ठीक है। ओके, मैं इसको आगे से भी दिखा दूं कैसा ये दिखता है जब ये हाइपर फ्लैश होगा। ये कुछ इस टाइप से जल्दी जल्दी ये हो रहा है, ठीक है। तो इसको करते हैं शांत, और ये है केबल, मैं अच्छे से दिखा दूं उसको। तो ये रहा केबल जो कि मैं इसमें लगाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ओके, ये हो गया इंस्टॉल, इधर लग गया, ठीक है। इसको मैं ऊपर ही रखूँगा, इधर ही कहीं पे इसको लगाने का ट्राई करूँगा, और ये वायर इधर से मैं नीचे लाकर, होप कि आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, वो रेड ब्लैक वाला जो वायर है वो इंडिकेटर का है, तो वहाँ पर मैं कनेक्ट कर दिया। तो अब देखते हैं कि जो हाइपर फ्लैश हो रहा था वो ठीक हुआ कि नहीं, ठीक है। तो इंडिकेटर ऑन करता हूँ, तो पहले इधर देखता हूँ, जैसे कि मैं दिखा रहा था, तो ये लगाया हूँ लेफ्ट साइड में, इस साइड में, ठीक है। ओके, अब इसको ऑन करते हैं इंडिकेटर और देखते हैं कि प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। बिंगो, प्रॉब्लम हुआ सॉल्व। आप देख सकते हैं अब ये जैसे नॉर्मल होता था वो वैसे ही चल रहा है, ठीक है। ये है इसका एक्चुअल स्पीड,
ये इसका राइट साइड का है, तो अभी ये ठीक जलता है। तो अगर एक्चुअल स्पीड देखना है आपको तो ये सब ऑन कर दीजिए। तो ये आपका एक्चुअल स्पीड, राइट। सो प्रॉब्लम हो गया है सॉल्व। फिर से दिखा दूं, आगे से भी दिखा दूं। सो ये नॉर्मल ब्लिंक करेगा, इसको देखते हैं। ओके, ये हल्का गर्म है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का। तो इंडिकेटर का बहुत कम ही हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। मीन्स करते हैं तो है ही, बट बहुत कम टाइम के लिए, तो उसके लिए ठीक है। तो इतना ये गर्म होगा, ठीक है। तो ज़्यादा भी हो रहा है ये धीरे धीरे। तो अगर बहुत देर के लिए आप इंडिकेटर जलाए हैं, जैसे हम लोग जब पार्किंग में रखते हैं गाड़ी या फिर हाईवे पे स्टैंड रखते हैं, तो ये काफ़ी देर तक ऐसे ही रहता है। तो इसलिए मैं बोला कि इसको ऐसे जगह पे लगाइए जहाँ पर वायर वगैरह ना हो, ठीक है, क्योंकि वो गर्म होगा तो कुछ भी गला सकता है। तो बेटर है कि इसको कहीं ऐसा जगह लगाया जाए। तो मेरा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। ठीक वैसे ही अब इसको इस साइड लगाऊंगा, ठीक है, राइट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाला हो गया है। तो फाइनली इसको कर दिया हूँ सॉल्व, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो मैं राइट साइड वाला नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इसको फाइनली एक बार आपको जब पूरा कंप्लीट कर लूँगा तो एक फाइनली वीडियो बना दूंगा, फाइनली वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन बस बस जैसा आपको दिखाया और जैसा मैंने पेपर बताया, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा ये दिक्कत वाला बात नहीं है। बस इसको आपको ऑर्डर करना है और आपको लगाना है, ठीक है। बहुत सारे वेंडर या जो भी बोले ये बोल सकते हैं कि आपका हेडलाइट ख़राब है या कुछ, पता ऐसा कुछ भी नहीं है, हेडलाइट ख़राब नहीं है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है रिप्लेस करने का, बस ये एक गाड़ी को वो वॉटेज नहीं मिल रहा था, मीन्स इसके जो सेंसर है, या सेंसर नहीं बोलेंगे, माइक्रो कंट्रोलर या जो भी है ऐसा, ठीक है, सर्किट को वैसा वॉटेज नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से इसे लग रहा था कि कुछ एक LED या सॉरी एक बल्ब मिसिंग है, मीन्स कंप्लीट वॉटेज ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये इस तरह का हाइपर फ्लैश हो रहा था, ठीक है। तो इन फ्यूचर मैं क्या करूँगा, अभी तो नहीं, तो मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ कि ये जो साइड में ये 5 वाट का जो इंडिकेटर है, ये हाँ ये तो काफ़ी गर्म हो गया, इतने देर में तो बहुत गर्म हो गया ये। तो ये जो 5 वाट का इंडिकेटर है ये मैं हटा दूंगा, ठीक है, इसके जगह LED लगा दूंगा। और इधर जो 21 वाट का है इसको भी हटा कर मैं LED कर दूंगा। इससे क्या होगा कि क्योंकि वो मेरा 50 वाट का है ये वाला, ठीक है, तो मैं इसको बैलेंस कर दूंगा। अभी क्या है, ये 50 है इधर, पीछे 21, 71 और ये 5, राइट। सो लगभग 76 के आसपास, 76 नहीं 80 मान लीजिए, ठीक है, 80 के आसपास आपका एक साइड का लोड है, ठीक है। तो 80 और उधर 80, 160 का लोड है, ठीक है। और नॉर्मल केस में जब ये चीज़ नहीं था तो लगभग 50-50 था, मीन्स 100 का। तो आप 60 वॉट एक्सीड कर गए हैं, ठीक है, 60 वॉट एक्सीड कर गए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि फ्लैशर को ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है, इसलिए मैं साइड वाला जो है इसको भी मैं चेंज कर दूंगा, इसको मैं LED कर दूंगा, ताकि जो पीछे से की से वो हट जाएगा जब, तो टोटल में से 21 माइनस कर दीजिए, ठीक है। मीन्स अगर 60 था, मतलब सॉरी एक साइड का 80 था, तो उसमें से 20 माइनस कर दीजिए, तो मेरे पास सिर्फ बचेगा 60, ठीक है, और ये 5 वाट, सो लगभग 60 मान के चलिए, तो 50 और 60 100 के आसपास लगभग मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये 100 के आसपास में हो जाएगा। तो बस यही मेरा पर्पस है कि जो मैं बैलेंस हूँ, जो पहले ओरिजिनल जैसा गाड़ी था, ऑसम गर्म हुआ हो, ठीक है, इसलिए मैं इसको मना किया कि कहीं इसको टच होने मत दीजिएगा, ये बहुत गर्म है, ठीक है, इसलिए मैं इसको बॉडी में लगाने वाला हूँ। और खैर इतना देर इंडिकेटर जलता नहीं है, तो अब इसको बंद करते हैं, ठंडा होने देते हैं। ठीक है, तो अब एक साइड का तो हो गया, इस साइड भी मैं लगा देता हूँ, इस साइड कंप्लीट करके, और फिर इसको मुझे वायर के थ्रू इसको यहाँ पर मैं यहाँ पर लगा दूंगा या फिर यहाँ पर, ठीक है, इसको वायर के थ्रू मुझे लगाना पड़ेगा, बिकॉज उस टाइप का मुझे मेरे पास कुछ है नहीं जिस मेटल का,
देखते हैं, अगर कभी कभी मुझे मिल जाए तो वेल एंड गुड, मैं उसको लगा दूंगा। लाइक वो आता है ना आपका रिंग टाइप का, राउंड सा रहता है, वो मैं लगा सकता हूँ, बट अभी तो फिलहाल नहीं। अभी मैं थोड़ा वीडियो कंप्लीट करके मुझे कहीं निकलना है, तो बस मैं एक और फटाक से बनाता हूँ वायर और उसको भी लगाता हूँ और ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। ओके, सो मैं फाइनल दिखाऊंगा लास्ट में, तो चलिए फिर जो फटाक से इंस्टॉल करते हैं और फिर आते हैं फाइनल चेक पे। ओके, सो ये दूसरा वायर भी रेडी हो गया, ठीक है। ये सेम वही पाइप के अंदर, तो ये रेडी हो गया है। अब इसको मैं चला इंस्टॉल करने, तो चलिए तो फिर इंस्टॉल करते हैं उसका फाइनल रिजल्ट और उसके बाद वीडियो ख़त्म, ठीक है। चलिए तो ओके, सो हो गया है, लगा दिया हूँ उसको, ये वाला इस साइड का और उधर वाला उस साइड है, ठीक है। तो इसको मैं कहीं यहाँ पर लगाऊँगा, इधर ही कहीं पर, इसको नीचे करके या फिर इस टाइप से, ठीक है। तो अब चलिए इसको टेस्ट करते हैं इस साइड का भी। ठीक है, नॉर्मल है जैसा मुझे चाहिए था। तो ये हो गया और इसको भी देख लेते हैं ये गर्म हो रहा है कि नहीं। ओके, सो अभी तक ठीक है, अभी इतना गर्म नहीं है। अब ये होना शुरू हुआ है, सो ऐसा नहीं कि एकदम बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद फिर ये गर्म होगा, ठीक है। तो चलिए इसको अभी लगा दूंगा मैं वायर के शुरू दोनों को, ठीक है। और ये बहुत जल्दी ठंडा भी होता है कि इसलिए इसको हीट सिंक में दिया गया है, ताकि ये बहुत जल्दी ठंडा भी हो और ज़्यादा गर्म हो तो कहीं पर वो मतलब एयर के थ्रू वो ठंडा होते रहे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कम्प्लीट वायरिंग और इंस्टॉलेशन इसका। हाइपर फ्लैश अब रिजॉल्व हो गया है, अब नहीं आपको लाइक वो बहुत जल्दी जल्दी वाला फ्लैश आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, तो वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। और मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो शायद ये सर्विसिंग का होगा जो अभी भी बाकी है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट वीडियो मेरा फॉग लाइट वाला वीडियो, देखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिएगा, तो आपको पूरा ये कंप्लीट हेडलाइट मीन्स पूरा बॉडी, ये हेडलाइट, फॉग लैम्प भी इंस्टॉल है, तो सारा वीडियो आपको एक जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया है गरम, अब इसको करते हैं बंद। तो गरम है इसका टेंशन नहीं है, ठीक है, वो उसी के लिए बना हुआ है। सो अगर गरम भी हो जाए तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना, बस ध्यान नहीं रखना है कि इसको अलग रखना है, ठीक है, मतलब बॉडी में कहीं रखना है, कहीं टच ना होने दे। बाकी अगर गरम हो रहा है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी के लिए है, पर्पस ही वही है, ठीक है। वो हीट हो रहा है, वो उसका नेचर है, वो ऐसा हीट होगा। चलिए तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हो गया मेरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गया है, उसको खाली लगाना है मुझे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। दोस्तों को बताइए, अगर उनके गाड़ी में भी ऐसा प्रॉब्लम है तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो इससे लाभ उठा सकें, ठीक है। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कहाँ से आपको बाई करना है, अगर आपको लोकल मार्केट में मिल जाता है तो गुड, और अगर नहीं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।